वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमन दीपक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आशिक मिजाज सिपाही को आशिकी भारी पड़ गई। इलाहाबाद के उतराव थाने में एक सिपाही को आशिकी मिजाज इतनी भारी पड़ गई कि उसे जेल की हवा खानी पड़ी। दरअसल एक महिला की ज़मीन का विवाद था तो महिला ने थाने गई। थाने पर पैरोकार सीताराम पांडे ने उसकी मुलाकात हुई। उसने महिला का नंबर ले लिया और उसे व्हाट्सएप ऐप पर लगातार मैसेज भेजने लगा। कभी अश्लील वीडियो भेजते तो कभी गंदे मैसेज भेजते। पहले तो महिला ने इग्नोर किया, लेकिन ये सिलसिला जब जारी रहा तो पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत अफसरों तक भेजी, जिसके बाद उतराव थाने में सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उसे थाने की पुलिस ने सिपाही को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मैंने इंस्पेक्टर से जानकारी ली तो उसे पता चला कि एक प्रकरण था, उसका पैरवी करते थे दीवान जी और नंबर उनके पास था, तो उनके बताने के हिसाब से तो गलती से चला गया है, लेकिन क्योंकि शिकायत हुई तो शिकायत पर DI सर ने जो है सख्त रुख अपनाते हुए इनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई करके और इनको दंडात्मक रुख अपनाते हुए इनको मुकदमा लिख करके भेजा गया है और न्यायालय में पेश करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निलंबन की भी कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा जब लिख गया तो निलंबन ये सब कार्रवाई तो जो विवादी होती है सब कार्रवाइयाँ उसमें की जाएंगी। महिला के संपर्क में किस तरीके से कैसे नंबर इनको कैसे मिला? वो जो महिला है उसकी लड़की का जो है मुकदमा था 376 वगैरह का, जिसमें ये थाने से पैरवी में जाते थे, तो चूंकि जब गवाहों को बुलाने और उसके सबके लिए नंबर्स रहते हैं पैरोकार के पास, तो उनके पास नंबर फीस था। इनका कहना था कि वो भेजना कहीं था चला गया कहीं, इस टाइप की बातें बता रहे थे, तो कहे कि गलती से चला गया था, लेकिन चूँकि उस पर आपत्ति उठी तो आपत्ति चूँकि जब भेजा गया है तो सही पाया गया। इस पर वरिष्ठ अधिकारीगण जो हमारे DI सर ने उन्होंने सख्त रुख अपनाया कि अनुशासित कोर्स में इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो लिहाजा के बिल्कुल कानूनी कार्रवाई बिल्कुल। संगम नगरी प्रयागराज में वैश्विक महामारी कोरोना में जहां अपने लोगों ने अपने से अपनों को खो दिया और कोरोना काल में लोग का जिस तरह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, मगर सबसे बड़ी बात आज देखने को मिली संगम नगरी प्रयागराज के संगम घाट पर, जहां आज गंगा दशहरे के दिन लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई। जी हाँ, मानिए जैसे इनको कोरोना का खौफ ही नहीं है, ना ही कोरोना नाम की कोई चीज़ हो, जैसे हम किसी अलग जगह आ गए। मगर कुछ लोग यहाँ पे मास्क भी इस्तेमाल कर रहे थे। मगर और एक चीज़ सबसे बड़ी देखने को मिली कि यहाँ ड्यूटी पे तैनात पुलिस जो खुद पालन कराने के लिए खड़ी थी, मगर दूर दूर तक बिना मास्क के नज़र आई। यहाँ सामान बेचने वाले और श्रद्धालुओं से जब हमने बात करी और उनसे पूछा कि क्या कोरोना खौफ नहीं है, तो उनका कुछ अलग ही जवाब था। आइए सुनाते हैं क्या कहना है यहाँ के श्रद्धालुओं का। तो ये तो कोरोना काल महामारी है, ये आती रहेगी जाती रहेगी। लोग यहाँ पे तीर्थ दर्शन करने आए, गंगा स्नान करने आए, गंगा दर्शन करने आए, ये सब कुछ छोड़ दिया, जो होना होगा तो हो ही जाएगा। क्या मास्क लगा के गंगा दर्शन और सारे तीर्थ यात्रा नहीं हो सकता? क्या मास्क लगा के खाना खाया जा सकता है? उसी तरह से गंगा दर्शन भी मास्क लगा के नहीं किया जा सकता। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल सिंह है। यहाँ पर बिना मास्क के और सारी चीज़ का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पालना करना चाहिए। और क्या कोरोना से डर नहीं लगता आप लोग को? सब सर यहाँ पर बिना मास्क में इस तरह से क्या कहना चाहेंगे? मास्क मैं ले रहा था। क्या नाम है आपका? नाम सर आपका? अनिल। इनको क्या बुरा है? जो नहीं मानते हैं तो तकलीफ में पहुँच जाएंगे, जो जानते हैं तो। अपने को इतने लोगों ने खोया है उसके बावजूद यहाँ पे लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं, उनको डर नहीं कोरोना का क्या? हाँ, उन लोग को डर तो नहीं है कोरोना का। करैली और दूमनगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने जुआ संचालक समेत 6 लोग को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक तमंचा, कारतूस, 14 बम और 20,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो टेंट लगाकर रात को आरोपी जुआ खेल रहे थे। SP क्राइम आशुतोष मिश्रा ने बताया कि चकिया निवासी लीडर इस्माइल को करैली पुलिस ने शनिवार रात तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। उस पर आरोप है कि वह इलाके में संचालित जुआ करता था और साथ ही वर्चुअल खिलाता था। तो दूसरी ओर दूमनगंज पुलिस के झलवा में छापेमारी करके आयुष ओझा, पवन पांडे, रत्नेश सिंह, विजय कुमार और नशरत को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की माने तो रात में ये
पेट्रोमैक्स जलाकर जुआ खेल रहे थे। आरोपियों में कुछ लड़के रेकी के लिए लगाए थे। पुलिस की दबिश या किसी संदिग्ध के आने पर उन्हें निर्देश था कि वे वहां बम फोड़कर दहशत फैला दें। पकड़े गए एक आरोपी ने मीडिया को बताया कि उसे रेकी करने के लिए रोज 300 रुपये मिलता था। ये धूमनगंज और करेली दो क्षेत्र में जुआ की शिकायत मिल रही थी काफ़ी दिनों से। धूमनगंज क्षेत्र से ये झलवा के पास में खुले में इन लोगों ने अपना एक टेंट लगा करके और उसमें रोशनी करके वहाँ पे जुआ खेलते हुए पकड़े गए हैं, जिसमें हमारी नार्को टीम और धूमनगंज की पुलिस थी। इसमें 5 लड़के पकड़े गए। इनके पास से पैसे बरामद हुए और जुए के जो इनके ताश वगैरह ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। इनको इनके पास बम वगैरह भी मिला, क्योंकि ये खुले में थे, अगर कोई जाता तो वहाँ पे मारने के भी उसमें थे। और कुछ लड़के जो भागे हो गए उनको पुलिस चेक करके देखेगी, पूछताछ करके कुछ नाम आए हैं प्रकाश में। और दूसरा एक गैंग है जो करेली में पकड़ा गया है, उसमें ये लोग की सूचना पे जब पहुँचे तो ये लोग वहाँ से जा चुके थे, तो एक आदमी उसके बरामद है जिसके पास से असलाह बरामद हुआ है और उसको जेल भेजा जा रहा है। तो दो टीमें हैं जो ये सब जनपद में जगह जगह पे जुआ सट्टा खिलाने का काम करते हैं, तो इनके विरुद्ध जो है एक अभियान छेड़ करके इन पे कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें क्या कोई वर्चुअल जुआ में इसमें कुछ ऐसा हो रहा था? नहीं, जो वर्चुअल जुआ का बात आपने किया, जो करेली से पकड़े गए वो लोग इसी टाइप का जुआ खेल रहे हैं, जिसमें इनके पास मोबाइल से जुआ खिला करके और उसमें पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये पकड़ा गया। संगम नगरी प्रयागराज में खाते से पैसे उड़ाने वाले 3 लोग गए धराए। SOG साइबर सेल और क्राइम ब्रांच अब इसमें जांच में लगी है। बता दें कि एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी ने साइबर सेल में शिकायत करी थी कि कुछ लोग खाते फर्जी खुला रहे हैं और उसमें जैसे ही पैसा आता है तो वहां से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस सक्रिय होकर जाँच में जुट गई। आइए सुनाते क्या कहना है SP क्राइम आशुतोष मिश्रा का। साइबर से रिलेटेड ये धीरज पांडे नाम का लड़का है, जो नियर बाई कंपनी है, जो पेटीएम की तरह ही जो पैसों के ट्रांजैक्शन में काम करती है। ये इसकी रिपोर्टिंग के आधार पे कि ये लोग जो है धीरज पांडे लोगों के खाते खुलवाता है और जो साइबर क्राइम कर रहे हैं जो जामताड़ा और वेस्ट बंगाल, तो इन लोगों के नंबर्स उस खाते में रहते हैं। तो इस नंबर के साथ जो है जब आदमी पैसा उसमें जाता है तो वो जो साइबर क्राइम वाले लोग हैं तुरंत पैसा निकाल करके अपने संबंधित खातों में डाल देते हैं, और इस तरह का जो खाता खुलवाते हैं उनको 1,500 रुपये पर मंथ देने का लालच दे करके इस तरह से अपराध करता है। इसके ग्रुप में 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया है, धीरज पांडे है, विकास है और शुभम। और ये इसके जो लैपटॉप और जो इसका बैग मिला है उसमें से करीब 80-85 हज़ार या 89 हज़ार रुपये इस तरह का बरामद हुआ है। 5 लाख रुपये के आसपास इसके खातों में हैं, इसके 15-20 खाते हैं बैंक के, और इसके पास तमाम फर्जी ID मिली है और इसकी मेल ID तमाम है, और इसके लिंक जो है नागालैंड और देवरिया में भी जो इस इन लोगों के खातों से पैसों का लेन देन की बात प्रकाश में आई है। पुलिस हमारी जो क्राइम ब्रांच और करेली पुलिस इसमें लगी हुई है, जो पूछताछ करके और इसको डेवलप करेगी और इनको जेल भेजा जाएगा। ये करीब 200 खाते खुलवा चुका है और 30-35 खाते इसने यहाँ भी खुलवाए हैं जो प्रयागराज में, और 2 लोगों को इनको पकड़ा गया था जो इसके साथ थे, जिनका खाता खुलवाने ले जा रहा था। एक लड़का फूलपुर का था और एक यहीं पर ड्राइवर है, वो सब भी हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। डिप्टी CM ने अखिलेश यादव को राम मंदिर का विरोध करने वाला नेता बताते हुए कहा कि अखिलेश यादव उस परिवार से आते हैं जिसकी सत्ता रहते निहत्ते राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई। समाजवादी पार्टी के सरकार के रहते अयोध्या में खून की होली खेली गई, इसीलिए अखिलेश यादव को राम मंदिर मुद्दे पर बोलने का नैतिक कोई अधिकार नहीं है। डिप्टी CM ने कहा कि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसलिए अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी या फिर प्रियंका वाड्रा को, सभी को राम मंदिर विरोधी नेताओं को दर्द हो रहा है। डिप्टी CM ने कहा कि ये भी सभी नेता राम मंदिर
निर्माण में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि यह पार्टी यूपी में कहीं दिखाई नहीं देती है। श्री अखिलेश यादव जी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार की सत्ता रहते हुए निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई गई, अयोध्या में खून की होली खेली गई और श्री अखिलेश यादव जी को नैतिक अधिकार नहीं है इस पर कुछ बोलने का, और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है, इससे श्री अखिलेश जी हों, श्री राहुल गांधी जी हों, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी हों या जो राम मंदिर विरोधी नेता हैं उनको बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वो मंदिर निर्माण में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी लगातार राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर के, ये पार्टी तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देती। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा दशहरे पर पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आधी रात से ही गंगा तटों पर श्रद्धालुओं का हुजूम दिखने लगा। वहीं प्रयागराज प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी। यहां लोगों ने गंगा स्नान पर पूजा। मान्यता यह है कि दशहरे के दिन राजा भगीरथी गंगा को स्वर्ग पर धरती पर लाए थे। इस दिन गंगा के स्नान से पुण्य मिलता है। आपको बता दें कि हर साल ज्येष्ठ महीने शुक्ल पक्ष में आने वाली दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दौरान गंगा घाटों पर हर साल लाखों की श्रद्धालु को डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज के संगम तट पर भी सुबह से भक्तों का भीड़ घाटों पर देखा जा सका। इसके अलावा किला घाट पर भी स्नान के लिए संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुँच रहे। गंगा स्नान को लेकर गुरुवार से संगम तट पर श्रद्धालु पहुँचने लगे थे। बता दें गंगा पूजन के बाद स्नान किया गया, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं डुबकी लगाई। शहरी इलाके के बजाय ग्रामीण इलाके भीड़ आई। ट्रैक्टर और पैदल साइकिल दूर वाहनों से संगम तट पर पहुंचे और सैलाब सा नजर आया। उधर गंगा माँ की पृथ्वी पर आने पर पर्व गंगा दशहरा पर संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे। दूर दूर से श्रद्धालु आकर संगम में स्नान कर पुण्य कर रहे, दान कर रहे थे। इस दिन गंगा में स्नान करने की मान्यता यह है कि अनजाने में किए गए पापों को इंसान मुक्ति मिल जाती है। देखिए ये उस समय की बात है जब वामन भगवान राजा बलि को भिक्षा मांगने के लिए आए थे, वामन देवता, तो उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगी थी, 2 पग वो ले चुके थे, 3रे पग में उन्होंने कहा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, भाई आकाश नापे पाताल नापे, जब आकाश नापे थे तो उनके बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्म कटाक्ष फटा और वहीं से गंगा का अवतरण हुआ। ये गंगा दशहरा उसी के लिए महत्वपूर्ण है, गंगा जी उसी समय से आई और 3 धाराएं निकली, एक आकाश गंगा ऊपर चली गई, एक पाताल, एक हमारे सामने समक्ष बह रही है मृत्युलोक। आज का इतना पावन पूर्ण है कि जो इसमें डुबकी लगाता है भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये पवित्र पावनी गंगा है, निर्मल गंगा, इसमें तमाम जड़ी बूटी औषधियां बह रही हैं और खास तौर से आज तो विशेष महत्व है इस गंगा मैया का स्नान करने का, इनके दर्शन मात्र से मुक्ति है। इसमें क्या क्या दान करने की प्रथाएं हैं? इसमें देखिए मौसम का चीज है, जैसे कि आम है, सत्तू है, ये देखिए घड़ा है, ये घड़ा है, तो इस तरह से चूंकि गर्मी से इस बार मौसम थोड़ा बदल गया है वरना ये 10 दिन बहुत गर्मी पड़ती है, तो इसी को अपने पितरों के लिए दिया जाता है, ये पितरों के लिए होता है। कि जो महाराज जी सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या सुविधाएं इस बार आपको दिखी गंगा दशहरा जब भी कोरोना काल की है? भैया सुविधाएं तो जैसे सब दिन है, देख लीजिए कोई मास्क नहीं लगाया है, आप देख लें कोई नहीं लगाया है, लेकिन ये गलत है, लगाना चाहिए। नहीं, सरकार के द्वारा जो सुविधाएं घाट में दी जाती थी, साफ सफाई, गंगा दशहरा, नहीं वो है, वो बराबर है, बराबर है, साफ सफाई ऐसी व्यवस्था है कि हम उसको नकार नहीं सकते, मगर पुलिस प्रशासन भी महाराज जी नहीं दिख रहा सुरक्षा में। बस पुलिस प्रशासन केवल नाम मात्र की है, बाकी प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया है। अभी मेरा नाम वीरेंद्र शुक्ला है। जब सैयां भय कोतवाल तो डर किस बात का, सरकार अपनी है राज्य अपना है। जी हाँ, ये सटीक कहावत बैठती है बीजेपी सरकार पे। जहाँ प्रयागराज में जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचित करने के लिए प्रत्याशी का नाम प्रेस वार्ता करते घोषित किया गया, मगर मंच पर आप देख सकते हैं किस तरह से सारे कार्यकर्ता मंत्री बैठे हैं,
कुछ के चेहरे पे तो मास्क भी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात, मगर यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन टाइप का दिखा, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जमकर भीड़ लगाए हुए हैं। और खाने पर देख सकते हैं आप किस तरह से सब लोग टूटे पड़े हैं, और लोग यहाँ पर लगता है मानो कोरोना कुछ है ही नहीं। क्या लगता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए कोरोना नहीं है? जहां वैश्विक महामारी कोरोना में अपनों ने अपनों को खो दिया, मगर शायद ये बात अभी भी बीजेपी सरकार और उनके पार्टी कार्यकर्ताओं के नहीं आती है। अब करना क्या होगा, पुलिस भी चुपचाप तमाशा देखती रही। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।